दोस्तों आपको पता होगा कि इस बढ़ती हुई भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पाइल्स या बवासीर होना आम बात हो गया है। दोस्तों आज मैं नारियल के छिलके से पाइल्स का बहुत ही अच्छा और सस्ता इलाज लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी घरेलू ज्ञान चैनल और आपको पता होगा कि देसी घरेलू चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए लेकर आया हूँ पाइल्स या बवासीर का बहुत ही 100% सटीक इलाज। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिसको पाइल्स हो जाता है उसको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पाइल्स दो तरह का होता है, जैसे एक खूनी पाइल्स और दूसरा बादी पाइल्स। खूनी पाइल्स में दोस्तों लेटरिन के साथ मल के साथ खून आता है और बादी पाइल्स में दोस्तों दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप भी पाइल्स या बवासीर से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है नारियल के कुछ छिलके। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं नारियल के छिलके लिया हुआ हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको जलाकर इसका राख बनाना है। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको जलाना कैसे है। ये देखिए दोस्तों अभी जला कर दिखाते हैं आपको, इसको जला लेना है इसकी, उसके बाद इसकी राख तैयार कर लेना है। तो जैसे दोस्तों देख पा रहे होंगे हमने नारियल का छिलका जला दिया है, अभी ये जलना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा देर में दोस्तों आप देखेंगे ये राख बन जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको राख को क्या करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नारियल का छिलका जल चुका है और अभी ये राख बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसको खूब बढ़िया से ठंडा होने देना है ताकि ये खूब बढ़िया से राख बन जाए। तो आप देख पा रहे होंगे अभी इसमें धुआं निकल रहा है और इसमें अभी आग दिख रही है। तो दोस्तों चलिए इसको खूब बढ़िया से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको करना क्या है, आपको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों यकीन मान लीजिए अगर आप इसको मात्र 5 दिन इस्तेमाल कर लिए ना, कितनी भी पुरानी पाइल्स की दिक्कत हो, कितने भी पुरानी आपको बवासीर हो, खूनी हो या बादी हो, दोस्तों आपको मात्र 5 दिन में छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, ये अपनाया हुआ नुस्खा है दोस्तों और ये बहुत ही काम करता है। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा अगर आप पाइल्स या बवासीर से थक हार गए हैं और दोस्तों ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी नुस्खा होता है और दोस्तों इसको जिसको जिसके जिसके ऊपर इस्तेमाल किया गया दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों अभी इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको करना क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नारियल की राख बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों आपको करना क्या है, आप इसको एक चम्मच सुबह खाली पेट दोस्तों लीजिए और इसको फाँक लीजिए, उस पर से दोस्तों एक गिलास पानी पी लेना है। उसके बाद आपको एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है। दोस्तों मात्र 5 दिन आप ऐसा कर लीजिए, आपकी कितनी भी पुरानी पाइल्स हो, बवासीर हो, खूनी हो या बादी हो, दोस्तों जड़ से गायब हो जाएगी। दोस्तों मेरे कहे अनुसार आप लोग इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करना करिएगा। दोस्तों आपको लेना कितना है, आप इतना लेना है दोस्तों, इतना लीजिए, उसके बाद आप इसको फाँक लीजिए। फाँकने के बाद दोस्तों आपको एक गिलास हल्का ठंडा पानी पी लेना है दोस्तों और आपको एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आप मात्र 5 दिन ऐसा कर लीजिए दोस्तों, आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स, दोस्तों आपको कब्ज की दिक्कत है, दोस्तों अगर आपके पेट में गैस बनती है, दोस्तों सब कुछ गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आप अपने पाइल्स बवासीर का इलाज अपने होम मेड सोल्यूशन से कैसे कर सकते हैं, दोस्तों घरेलू नुस्खे से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और नई नई और अच्छी वीडियो ला सकें और आपको जानकारी दे सकें। दोस्तों आपको पता होगा कि घरेलू नुस्खों से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, बस हमको जानकारी नहीं रहती है। दोस्तों यही जानकारी दिलाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए टेक केयर। मेरी यही आशा दोस्तों आप लोग आयुर्वेद को अपनाएं और एक बार आयुर्वेद पर डिपेंड हों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।